बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के मेरे व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ईद के ऊपर है और हम यहाँ पे आज आए हैं मंडी। ये मंडी जो है वो HBK की मंडी थी। यहाँ पे सारे जानवर लोग ईद के लिए लेने आ रहे थे। ज़रवा जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थी और अब हम जा रहे हैं अंदर। और इस तरह कुछ मंडी दिखाई देती है सारी। हमारे राइट साइड पे भी काउ थी और लेफ़्ट साइड पे भी। इसके बाद हम बिल्कुल स्ट्रेट आए तो यहाँ पे सारे बकरे और जुम्बे बंधे हुए थे। मुझे ये बकरी बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही है। कितनी कमज़ोर है, और वाइट कलर मुझे वैसे भी काफ़ी पसंद है, तो उसमें जो भी जानवर वगैरह होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो आपको कमज़ोर सी बकरी नज़र आ रही है, ये जो है 70,000 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। काफ़ी महंगे जानवर थे यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि महंगाई बढ़ चुकी है और हर चीज़ के रेट बहुत हाई है। और ये जो दुम्बे आपको नज़र आ रहे हैं बाहर साइड पे बंधे हुए, ये 1,10,000 रुपये के थे। और अंदर वाले दुम्बे जो थे वो 1,00,000 से नीचे वाले थे, और जो बाहर वाले थे वो 1,00,000 से ऊपर थे। बच्चे काफ़ी खुश थे यहाँ मंडी आके, क्योंकि और भी फैमिलीज आई हुई थी और सारे लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मास का ये फर्स्ट टाइम है कि ये मंडी आया है, तो ये थोड़ा सा घबराया हुआ था। पर ज़रवा काफ़ी एक्साइटेड थी शुरू में, वो भी थोड़ी सी घबराई हुई थी, लेकिन बाद में वो बिल्कुल चिल हो गई। बट दुम्बे वगैरह देखने के बाद अब हम जा रहे हैं जहाँ पे गायें दांत वगैरह बंधे हुए थे, और इनकी भी प्राइजेज मैं साथ साथ मेंशन करती जाऊँगी आपको। जो बिल्कुल स्टार्ट में आपको नज़र आ रही है ये गायें, इसके प्राइस जो थे वो 1,80,000 रुपये थे। ये देखने में बहुत ही मज़े की लग रही है, बट ये काफ़ी कमज़ोर थी। जब ये खड़ी हुई तो मुझे तो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। और बाकी जो पीछे वाले जानवर थे उनकी प्राइजेज जो थी वो 2,00,000 रुपए थी, और जो फ्रंट पे जानवर थे वो 1,80,000 इस तरह के थे। तो उसमें ये लोग ये जो प्राइजेस थी निगोशिएबल भी थी। एक गाय में तकरीबन 7 हिस्से होते हैं, और जिन लोगों के पास मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ 52 तोले चांदी मौजूद है या उसके मुकाबले में कोई सोना या रकम मौजूद है, और उसको एज सेविंग या इन्वेस्टमेंट अपने पास रख रहा है, तो उस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब है। कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब है। बट अगर आप करें तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। सेकेंडली, ये हर किसी को अपना हिस्सा खुद डालना होता है। अक्सर लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं है। बीवी जो है उसके पास 52 तोले चांदी के मुताबिक जितनी भी अगर सोना पड़ा हो, पैसे पड़े हो, तो उस पर ये फ़र्ज़ है। आजकल के मुताबिक 52 तोले चांदी की जो कीमत है वो 42,000 रुपीज़ है, और हर किसी ने अपना हिस्सा ख़ुद अदा करना होता है। जो बच्चे बालिग हैं, जो मेल्स बालिग होंगे, उनके पास इतनी अमाउंट पड़ी है तो वो ख़ुद अपना हिस्सा डालेंगे। हम लोगों के बेसिक जो हैं वो काफ़ी ही कमज़ोर हैं, इसके ऊपर लोग कोई भी रिसर्च नहीं करते, और जो शुरू से उन्होंने अपना माइंड सेटअप बनाया है उसी पे चलते हैं। और अब आप देख सकते हैं ये गायें बहुत ही मज़े की थी। इसकी कीमत भी 2,00,000 रुपए थी, और इससे पहले वीडियो में आप देख रहे होंगे दो गायें बहुत मज़े से लड़ रही हैं, तो मैं दोबारा से ये क्लिप आपको दिखाना चाहूँगी। इनकी लड़ाई जो है काफ़ी टाइम तक चलती रही। इनको इसको देख के मुझे अपना भाई और मैं याद आ गए, हम भी कुछ इसी तरह लड़ते रहते हैं। अब जो लेफ़्ट साइड वाली गायें थी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और ये इस गाय की प्राइस भी तकरीबन 195 थी, और ये जितने भी जानवर हैं वो निगोशिएबल थे, बट इसमें अगर बहुत भी कम करते तो वो 10,000 रुपीज़ डिस्काउंट देते। इन दोनों की जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई, ये उसी तरह एक दूसरे को देखती हैं और लड़ती हैं। इसके बाद इनके केयर टेकर ने आके इनको जो है अलग कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी। और यहाँ के जो केयर टेकर थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, क्योंकि वो बच्चों को साथ लेके जा रहे थे और जानवरों को प्यार भी करवा रहे थे। और काफ़ी इससे ये चीज़ होता है कि बच्चों का डर निकल जाता है और वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। उनको भी पता होना चाहिए हमारे बच्चों को कि ये कुर्बानी क्या चीज़ है, और वो ख़ुद जाएं अपने लिए जानवर जो है वो सेलेक्ट करें। और काफ़ी मज़े का टूर रहा हमारा यहाँ का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरा व्लॉग इंजॉय किया होगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपसे मेरे चैनल की कोई भी अपडेट मिस ना हो। मास जो है वो काफ़ी बहादुर बनने का मुजाहरा कर रहा था, और मेरा हाथ पकड़ के अब मुझे आगे लेके जा रहा था। और ये गायें जो हैं वो बिल्कुल ही बाज नहीं आ रही थी, ये लड़ी जा रही थी आपस में।
और इसके बाद जो है मैं डर से थोड़ा पीछे हो गई थी, क्योंकि मुझे गाय वगैरह से काफ़ी डर लगता है। और माज जो है वो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के कह रहा था, वो आगे जाते हैं, उसको बहुत ही खुशी हो रही थी इन दोनों को देख के। आखिरकार इनके केयर टेकर आके इनको अलग कर दिया, और माज अब मुझे यहाँ पे बता रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं डरता और उसने काफ़ी इन्जॉय किया। और मैं अकेला जाके दिखाऊंगा आपको, अगर आप अंदर नहीं आना चाहती। लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आप अपना भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि इस बार आपने कुर्बानी में क्या लिया, क्या आप लोगों ने मंडी विज़िट की और क्या क्या लिया। अल्लाह करे हमारा इस बार का मौसम बहुत अच्छा हो हर पाकिस्तान में, ताकि सब लोग जो हैं वो अपनी ईद इन्जॉय करें और ख़ूब मज़े करें। पेशावर में जिन मस्जिदों में आप लोग कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं, तो सबसे अच्छी दरवेश मस्जिद है वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि हम लोग भी अपना गाय का जो हिस्सा है उसी मस्जिद में डालते हैं। उसके अलावा आप लोग जो है वो शौकत खानम में भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, उसका प्रोसीजर भी बहुत ईजी होता है, वन कॉल अवे है आप लोग अपने सारे प्रोसीजर्स को जानने के लिए। और बहुत ही क्यूट दुम्बा आपको ये नज़र आएगा कि इस तरह पिंग वगैरह दुम्बे होते थे हम बचपन में लेते थे, और मुझे इनको देख के चूज़ों की याद आ गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ईद में कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।